महानुभाव मान्य जिला भाजपा प्रमुख श्री राजीव भाई मान्य आईजी साहब अशोक कुमार यादव साहब मान्य डेप्यूटी मेयर साहब मान्य जिला भाजपा महामंत्री भावनगर शहर भाजपा महामंत्री निमित चुडासमा मान्य शिक्षक समिति चेयरमैन शिशिर भाई सब कोई महानुभाव अपनी बच्चे आदि प्रगति में सहभागी थी रहा है मान्य जिला शिक्षण अधिकारी श्री एनजी व्यासित महानुभाव आदि प्रगति विधि में सहभागी थी रहा है योग गुरु आरजे जाडेजा साहेब पण दीप प्रागट्य में सहभागी थई रह्या छे जोरदार तालीथी आपणे सौ आ दीप प्रागट्य ने बधाई लेशुं मंचस्थ महानुभावना वरदस्ते मानवता माटे योग आ थीम साथे आज रोज आयोजित योग दिवस की उजवणी का प्रारंभ आपणे करीशुं वैश्विक नेता आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी समग्र विश्व माटे प्रस्ताव मूक्यो ने समग्र विश्व अपना योग ने स्वीकारी ने 21 जून એટલે કે આજે વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે જાહેરાત કરી છે અને એ આપણા સૌ માટે ગૌરવની બાબત છે એવા સમગ્ર ભારતવર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં યોગની ઉજવણી યોગ દિવસ તરીકે આજે આપણે સૌ ઉજવી રહ્યા છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અંદર સમગ્ર રાજ્યમાં आज योग दिवस की उजवणी थई रही छे आपणा सौना ध्यान में छे के योग बगाड़े रोग सात अर्थमां योग अने योगनी संस्कृति आपणा भारतवर्षनी रही छे ऋषि परंपरा रही छे समग्र विषय आपणी संस्कृतिनो स्वीकार करीने योग अने योगनुं महत्व ए नरेन्द्रभाई अने योगना सौ साधको अनेक धार्मिक अने सामाजिक संस्थाओं अनेक व्यक्तिगत अने समूह में योगनी जागृति माटे अने योग माटे समग्र गुजरात नी अंदर पण तमाम लोको आज अलग अलग प्रकारे योग माटे सामूहिक योग माटे जोड़ाना छे त्यारे हूँ वहीवटी तंत्र ने मेयरशी ने कमिश्नरशी ने अभिनंदन आपीश के एक कपरी स्थिति वरसाद એમાં પણ પાણી આપણું ગ્રાઉન્ડ એમાં પણ આપણે સૌ સામૂહિક યોગ કરીને આપણે આપણી તંદુરસ્તી અને યોગની જાગૃતિ માટે સમગ્ર હરિયાણા અને ભાવનગર જિલ્લામાં આપણે સૌ સાથે મળીને આ યોગ નિદર્શન કરીએ છીએ ત્યારે મને સંપૂર્ણ ભરોસો છે કે નરેન્દ્રભાઈ અને આપણા ઋષિ પરંપરાને અનેક યોગ સાધકો યોગ ગુરુઓ જે પ્રકારે સમગ્ર ભારતવર્ષને યોગ માટે પ્રેરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે સૌ આગામી સમયની અંદર પણ એક દિવસ પૂરતો યોગ નહીં કરીને રોજ આપણે વ્યક્તિગત અને સમૂહમાં યોગ સાધક યોગ કરીએ એવી હું આજના તક અપીલ પણ કરું છું પુનઃ એકવાર આજે વિશ્વ યોગ દિવસ માટે સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ જય જય ગરવી विनती करिए माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री एनजी व्यासित श्री आपना वदस्ते अभय जोशी भावनगर शहर का रमन कुमार जी के आप माननीय जिला कलेक्टर अधिक कमिश्नर योगेश जी गुड़े साहब
माननीय डेप्युटी मेयर શ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે ફરીથી એકવાર માનીએ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત બાંધકર શહેર કૃષ્ણદાતા સમરાજા વાજીર મહારાજા આના સાથે આપણે પ્રારંભ કરીશું। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाना। अब एक लंबी गहरी सांस और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाना। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी पीढ़ी को छूने का प्रयोग उतना ही उपयोगी है। ये आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना और आपको चपटे गले यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जमा कम छाती तथा पेट की हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर जोर है तो बोले और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें हो सके उतना ऊपर उठाएं जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में
अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन देव बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्धहलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब दो चक्र और करें। उनके निदान में सहायता मिलती है। यह थन राइनाइटिस साइनसाइटिस अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका क्षेत्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक रूपता जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और दूसरे मानसिक परिवर्तनों पर सहज रोग या उनसे प्रभावित ना होना। ध्यान आपको शांति और आंतरिक सद्भाव खोजने में मदद करता है। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। पद्मासन के अलावा ध्यान दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड आराम। आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसकी उजवनी कर रहे हैं। इस मौके पर मैं सारे भावनगर शहरवासी और भावनगर जिले के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाओं देता हूँ। योग जो है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और हर कोई योग परफॉर्म करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। तो सभी लोग जो है योग के साथ जुड़े और रोज़ कम से कम आधा घंटा तो योग करे, जिसकी वजह से अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो। फिर से मैं सभी नगरजनों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज देश अपना 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की प्रेरणा से पूरे विश्व ने आज योग को एक जरूरियात के तौर पे स्वीकृत किया है। वैसे भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन ये योग के माध्यम से विश्व गुरु हो चुका है, और इसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र भाई को जाता है। और शरीर को मन से जोड़ने की क्रिया योग है, और योग से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है, और एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माता होता है। आभार, वंदे मातरम।